मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा यह अब तक तस्वीर साफ नहीं है। राजस्थान में भी बीजेपी अपने सीएम चेहरे को अभी तक तय नहीं कर पाई है। और तीसरे राज्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री पद के लिए सस्पेंस बना हुआ है। अब आपको बता दें कि तीन जो पर्यवेक्षक हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, वो उनकी नजर है। नए विधायकों के साथ बैठक करेंगे बीजेपी पर्यवेक्षक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसमें शामिल हैं। के लक्ष्मण हैं, आशा लकड़ा का नाम पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है बीजेपी की तरफ से। अब कल मीटिंग करके विधायकों की राय जानेंगे ये पर्यवेक्षक कि उनके मन में क्या चल रहा है, किसके प्रति सहानुभूति है और किससे चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। तो ये पूरी अपडेट। अब जबकि राजस्थान की अगर बात कर लें तो मुख्यमंत्री को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक है। तीन बीजेपी पर्यवेक्षक आज जयपुर जा रहे हैं। ये राजस्थान को लेकर अपडेट आपको हम कर रहे हैं। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह हैं, विनोद तावड़े हैं, सरोज पांडे को जिम्मेदारी दी गई है। तो चूंकि राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के काफी पुराने नेता, केंद्रीय मंत्री, राज्य से लेकर केंद्र तक तालमेल बिठाने की पूरी उनकी कोशिश होती है, अब उनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी। तो राजस्थान मध्य प्रदेश की बात कर ली हमने। और इस बीच आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है लगातार, चूंकि वो खुद को बता रहे हैं कि वो रेस में शामिल नहीं है लेकिन मेहनत पूरी कर रहे हैं। 2024 पर नजर है, वो पूरी तरह से चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है उनका ध्यान अपने कामों के जरिए पहुंचाएं। तो एमपी में सीएम पर सस्पेंस के बीच बोले हैं शिवराज सिंह चौहान, क्या वो कह रहे हैं आपको हम सीधा सुनवा देते हैं। मैं मिशन 29 पे निकला हूं। मिशन 29 है लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें जिता के श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के गले में 29 कमल की माला डालना है प्रधानमंत्री बनने के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं किसी भी कीमत पर आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। लाडली बहना, तुमने आरती उतारी है, भाई का ये संकल्प है, तुम्हारी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं रहने देंगे। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के रामलला के मंदिर के दिव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कार हो रहा है। और आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, प्रहलाद पटेल की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने मुलाकात की है। ये तस्वीर देखिए, दोनों के चेहरे पर मुस्कान, गुलदस्ता देकर आदान प्रदान, जीत की बधाई दी गई है। हालांकि दोनों को ही बधाई दी गई है, दोनों ने स्वीकारा है। मुख्यमंत्री के रेस में ये दोनों ही चेहरे हैं, आपको दिखाते हैं, आप प्रतिक्रिया सुनवाएंगे। हम सदन के भीतर बैठकर मध्य प्रदेश को नंबर एक का राज्य कैसे बनाएं, ये हम सब का लक्ष्य जो निर्वाचित होकर आए। सदन के भीतर सबकी अपनी भूमिकाएं होती है, लेकिन एक बात को जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी मर्यादाएं और परंपराएं, ये लोकतंत्र की बड़ी ताकत है।